हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द पोएम वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज ए स्पेशल। एक छोटे बच्चे के लिए एक टीचर जो है ना विशेष होता है, विशिष्ट होता है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज आर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। ये एक छोटे बच्चे के लिए सोचना बड़ा ही कठिन होता है कि उसका अध्यापक या अध्यापिका एक साधारण व्यक्ति है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज 4 o'clock। जब 4 बजे छुट्टी होती है, इसका अर्थ यही है कि जब 4 बजे छुट्टी होती है तो सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। क्या वे अपने घरों में रहते हैं और क्या वे अपनी जो जुराबें हैं वे स्वयं धोते हैं। डू दे वियर पाजामा, क्या वे पायजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या वे टीवी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोज, क्या वे नाक में उंगली डालकर उनकी जो गंदगी है उसको साफ करते हैं। द सेम एज यू एंड मी, वे भी ऐसा ही करते हैं जैसा कि मैं और आप। डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। हैव देयर मम एंड डैड, मम मीन मदर, डैड मीन फादर। हैव दे मम एंड डैड, क्या उनके माता और पिता हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वे कभी बच्चे थे, चिल्ड्रन मीन बच्चे। एंड वर दे एवर बैड, क्या वे कभी बुरे बने, बैड मीन बुरे। Did they ever never spell right? क्या उन्होंने कभी, स्पेल होती है स्पेलिंग, जो स्पेलिंग होती है उसको बोलते हैं स्पेल। Did they never spell right? क्या उन्होंने कभी स्पेलिंग जो है उसमें ठीक नहीं लिखी। Did they ever make mistake? क्या उन्होंने कभी गलती नहीं की, मिस्टेक होता है गलती। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लैक, अगर उन्होंने चॉकलेट के जो फ्लैक होते हैं अगर उनकी चोरी पर पिंच होता है, पिटाई करना, चोरी करना, सॉरी। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या चॉकलेट के फ्लैक की चोरी पर उनको अध्यापक के द्वारा कोने में ले जाकर पिटाई की गई। डिड दे एवर लॉस देयर हाइमन बुक, हाइमन होती है धार्मिक किताबें, बुक धार्मिक किताबें। क्या उन्होंने कभी अपनी धार्मिक जो किताबें होती हैं वे नहीं खोई। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन, ग्रीन का मतलब है बेटे जो हरी सब्जियां होती हैं। Did they ever leave their green? क्या उन्होंने कभी जो हरी सब्जी है उसको प्लेट में अनटच्ड रखा, मतलब बिना छुए छोड़ दिया। Did they scribble on the desktop? क्या उन्होंने डेस्क के ऊपर कभी घसीटे मारना या कुछ भी लिख देना, कुछ भी अंकित कर देना, क्या उन्होंने ये सब किया। Did they wear old dirty jeans? Old dirty का मतलब पुरानी गंदी। क्या उन्होंने कभी पुरानी गंदी जीन्स पहनी। I shall follow one back home today. I shall follow one, मैं जो है घर जाते समय किसी एक अध्यापक का अनुसरण करूँगा। I shall find out what they do, मैं ये पता लगाऊँगा कि वे घर पर क्या करते हैं। Then I shall put it in a poem. फिर उसको मैं एक poem के अंदर लिखूँगा that they can read to you, जो आप कर वे, आपको वे पढ़कर सुनाएंगे। तो बेटे द poem is written by Peter Dixon। इसको ध्यान से read करना, इसके word meaning, question answer सभी कुछ आपको जो है ना video audio के माध्यम से मैंने भेज दूँगा, और इसके अच्छी तरह से इसको read करना।